राइस वाटर क्या सच में ये स्किन के लिए काम करता है? जी हाँ, राइस वाटर एक्चुअली हमारे स्किन में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट लेके आता है। बट इसके लिए हमें इसको प्रॉपर वे से कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, वो प्रॉपर वे जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप राइस वाटर अगर 5 days भी आप रेगुलरली लगाना स्टार्ट कर दोगे ना, 5 days के अंदर आपको विजिबल रिजल्ट अपने स्किन में देखने के लिए मिलेगा। आपको बहुत ग्लोइंग शाइन आपकी स्किन में नज़र आएगा। बट इसको प्रॉपर वे से बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राइस वाटर मैंने बहुत बार ट्राई किया, कभी कभी अलग अलग मेथड से। जो बेस्ट मेथड है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिला, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हिमाक्षी, वेलकम टू माई चैनल हिमाक्षी टाइनी वर्ल्ड। आज हम लोग राइस वाटर के बारे में बात करने वाले हैं। राइस वाटर एक्चुअली स्पेशली डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। राइस वाटर से आपको बहुत ज़्यादा लाइट और ग्लोइंग और बहुत ज़्यादा शाइन आपकी स्किन में नज़र आएगा। अगर इसको रेगुलरली आप 5 दिन भी लगाना स्टार्ट कर दोगे ना, जैसे मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ, ट्रस्ट मी, आपको विजिबल रिजल्ट आपकी स्किन में देखने के लिए मिलेगा। बट इसके लिए आपको इसको ना प्रॉपर वे से बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने राइस वाटर को बहुत बार ट्राई किया अलग अलग वे से, बट जो बेस्ट वे है, जो मैंने मुझे खुद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो है राइस वाटर को फर्मेंटेशन के लिए डालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर राइस वाटर फर्मेंट नहीं होंगे तो वो आपकी स्किन में इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दिखाएंगे। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कैसे राइस वाटर को बनाया जाता है, प्रॉपर वे कैसे है जिससे हम लोग सबसे ज़्यादा फ़ायदा राइस वाटर का उठा सकते हैं। इसके लिए आपको एक कप या कटोरी मेजरमेंट का, जो भी आप जिसमें आप राइस फिल करोगे, आपको इतना सा छोटू सा अगर कटोरी या कप कोई भी होगा, उसमें से एक फुल कप आप राइस ले लीजिएगा। वाइट राइस आप इसमें इस्तेमाल कीजिए और उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। आप उसको बहुत अच्छे से वॉश कीजिएगा ताकि राइस में जितना भी डर्ट इम्प्योरिटीज है वो सब कुछ वॉश ऑफ हो जाए। उसके बाद आप जो कटोरी से राइस ले रहे थे उसके 3 गुना, अगर 1 कप आप राइस ले रहे हो तो उसके 3 times 3 कप आप उसमें वाटर ऐड कर लीजिए और उसको 24 hours के लिए आप ढक के उसको साइड में रख दीजिए। आफ्टर 24 hours, 24 घंटे के बाद आपको वो जहाँ पे आपने उसको भिगोया है उसको स्ट्रेनर की हेल्प से आपको स्ट्रेन कर लेना है और आपका राइस वाटर रेडी हो गया है। इसको आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये 24 घंटे तक अच्छे से फर्मेंट हो जाते हैं वो राइस। उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर उसका ज़्यादा बेनिफिट आपको चाहिए तो इसको फ्रीजर में मत रखिए। आप उतना क्वांटिटी बनाइए कि 5-6 दिन आपका आराम से निकल जाए और उसको बाहर रखिए। उसके बाद उसको यूज़ करते, क्योंकि स्ट्रेन करने के बाद भी आपका जितना भी बेनिफिट राइस का है उस पानी में होगा। अगर आप फ्रीज़र में उसको नहीं रखेंगे, बाहर रखेंगे, तो वो फर्मेंट होता रहेगा वो 5 दिन 4 दिन, जितने दिनों के लिए आप उसको बनाते हो। तो आप कम क्वांटिटी में बनाया कीजिए। समर्स का टाइम है, अगर आपको फ्रीज़र का ठंडा स्प्रे राइस वाटर का लगाना अच्छा लगता है, तो आप 24 घंटे के बाद जो स्ट्रेन करके जो आप राइस वाटर निकालोगे, उस राइस वाटर को फिर से एक 24 hours के लिए आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में छोड़ दीजिए। उसके बाद ये बहुत अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाएगा, देन आप फ्रिज में रख सकते हो। बट मैं यही बोलूँगी, आप कम क्वांटिटी में बनाया कीजिए। मैक्स टू मैक्स आप 1 हफ्ते का बनाइए, 5-6 दिन का, 1 हफ्ते का, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में आप मत बनाइएगा, क्योंकि राइस वाटर जितने अच्छे से फर्मेंटेशन होता है वो उतने ही अच्छे से स्किन पे काम करता है, उतना ही आपको इफेक्ट स्किन पे देखने के लिए मिलेगा। बट इसका एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट है जो आपको बर्दाश्त करना होगा, और वो है उसका गंदा स्मेल। उसका जो बदबू है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका स्मेल है जो आपको बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि वो फर्मेंटेशन जो हो जाता है, वो फर्मेंटेशन की वजह से उसका जो स्मेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, बहुत बदबू आती है उससे। बट वो उतना ही बेनिफिशियल है, ट्रस्ट मी। तो अगर इसको आप बर्दाश्त कर सकते हो तो राइस वाटर को रेगुलर स्किन केयर में आप इंक्लूड कीजिए, आपको विजिबल रिजल्ट मिले।
मिलेगा। मैं आपको यही कहूँगी, आप 5 दिन के लिए ट्राई करके देखिएगा, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला ना तो आप मुझे बताइएगा। बहुत अच्छा है राइस वाटर, बट उसको प्रॉपर वे से आपको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम लोग बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। इसको यूज़ करने के लिए आप जो कंटेनर पे उसको रखते हो, उसको फेस क्लीन करने के बाद इसको आप स्प्रे कीजिए अपने फेस पे, अपने नेक एरिया पे, और उसको बहुत अच्छे से ड्राई होने दीजिए। आप स्प्रे करने के बाद ऐसे ऐसे टैप टैप आप कर सकते हो फेस में, नेक पे, उसके बाद आप उसको अच्छे से ड्राई होने दीजिए। देन आप अपना मॉइस्चराइजर हो जो हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट इसको लगाने के बाद वॉश बिल्कुल मत कीजिए। और सुबह के टाइम पे भी आप सेम कर सकते हो, आप मॉर्निंग में जब भी फेस वॉश करते हो उसके बाद उसको स्प्रे कर सकते हो, उसके बाद आप डैप डैप कीजिए और उसको सूख जाने दीजिए। और एंटायर डे में कभी भी आपको अच्छा नहीं लगे, आपको लगाने का मन कर रहा, आप कभी भी स्प्रे कर सकते हो। आप जो मैंने आपको बताया है वो वे से आप ट्राई करके देखिएगा, 100% आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि राइस वाटर को मैंने भी बहुत बार ट्राई किया है इसका मेथड, बट मैंने एक ही समझा, इसको फर्मेड अच्छे से होने की बात इस्तेमाल करने से इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। विजिबल रिजल्ट दिखेगा आपको राइस वाटर से, बस आप 5 दिन ट्राई करके देखिएगा, अगर आप मेरी बातों पे यकीन हो रहा है तो। उसके बाद आप बोलिए, मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदने से अच्छा है ये घर का, ये सिंपल वाला जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई आपका कोई पैसा खर्चा नहीं हो रहा, क्योंकि राइस हर एक इंडियन किचन में अवेलेबल होता है। तो ट्राई करके देखिएगा और रिजल्ट आप मेरे कमेंट में आके ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके कमेंट से दूसरे लोगों को भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए एंड मुस्कुराते रहिए। स्प्रेड लव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। जाते जाते अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।